हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे पुष्प के संरचना का। ये पार्ट टू होगा। इससे पहले वाले क्लासेस में मैं आप लोगों को पुष्प के संरचना में बताया था कि पुष्प के संरचना में दो भाग होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है, आवश्यक चक्र, और दूसरा क्या होता है, सहायक चक्र। तो सहायक और आवश्यक दोनों के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन हमारी बात क्या हो चुकी थी, अधूरी हो गई थी। तो आज हम इस क्लास में पुष्प के संरचना का डिटेल्स क्या कर लेते हैं, पूरा अध्ययन कर लेते हैं, और आज हमारा टॉपिक पुष्प के संरचना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पुष्प के संरचना में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बाह्यदल के बारे में और दलपुंज के बारे में, जो कि सहायक चक्र के क्या थे, भाग थे। आज हम सहायक चक्र के तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। तो हम लोगों का हेडिंग जो है वो क्या हो जाएगा, पुष्प वृंत हो जाएगा। इससे पहले वाले क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ जा करके प्लेलिस्ट में इन सारे वीडियो को, इन सारे क्लासेस जो पढ़ाया गया सिस्टमेटिक तरीके से, वहाँ जा करके आप उसको अच्छे से देख करके नोट कर लीजिए, और जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट करके हमें बताएं। तो आज हम देखेंगे कि पुष्प के संरचना में, इसके अगले पार्ट में देखेंगे कि ये पुष्प के संरचना में यह जो आपका पुष्प वृंत क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए, हेडिंग हम लोगों का हो जाएगा पुष्प वृंत। क्या हो जाएगा, पुष्प वृंत हो जाएगा, ठीक है। तो पुष्प वृंत में बेसिकली हमें बताना यह है कि जो पुष्प होते हैं, एकदम आसान तरीके समझेगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको आराम से एक बार दो बार ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं, तो रटना नहीं है यहाँ पे। मैं प्रैक्टिकली आपको कल पुष्प को लेकर के दिखाया था, उसके बारे में संरचना, मतलब संरचनाएं के बारे में बताया था। तो आज हम उसी क्रम में हम आज को क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं, और आपको बताएंगे कि पुष्प वृंत क्या है। पुष्प वृंत में एकदम सिंपल सा फंडामेंटल इसमें बताना क्या है कि पुष्प का, पुष्प के डंठल वाले भाग को, कौन से भाग को, पुष्प के डंठल वाले भाग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के डंठल वाले भाग को पुष्प वृंत कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। यहाँ पे जो लंबा से ये संरचना दिख रहा है, ये जो लंबे वाला संरचना दिख रहा है, इसी ये क्या है, ये डंठल है। और किसका डंठल है, पुष्प का डंठल है। और इसी पुष्प के डंठल वाले भाग को क्या कहा जाता है, पुष्प वृंत कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये पुष्प वृंत क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन में नोट कर दूं कि पुष्प के डंठल वाले भाग को, ठीक है, पुष्प के डंठल वाले भाग को क्या कहते हैं, तो भाग को पुष्प वृंत कहते हैं। क्या कह देंगे भाई, पुष्प वृंत कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गई। तो पुष्प के डंठल वाले भाग को क्या कहते हैं, तो पुष्प के डंठल वाले भाग को पुष्प वृंत कहते हैं। अब हमें देखना यह है कि पुष्पासन किसे कहते हैं। तो पुष्पासन हेडिंग हम लोगों का क्या हो जाएगा, पुष्पासन। पुष्पासन भी बहुत इजी है, इसे समझ लीजिए। एक सिंपल वे में मैं इसको समझाना चाहता हूँ। पुष्पासन का मतलब पुष्पों का आसन, अर्थात जिसपे पुष्प क्या करते हो, आसन करते हो, जिसपे पुष्प बैठते हो, उसी को क्या कहा जाता है, पुष्पासन। जैसा कि आप देख रही है, पूरा फ्लावर से ये पूरा पुष्प है, और पुष्प यहाँ क्या कर रहा है, आसन कर रहा है, और इसी वाले भाग को क्या कहेंगे, पुष्पासन। सिंपल सी बात है कि जो पुष्प है, इस पुष्प के यानी पुष्प वृंत जो है, पुष्प वृंत के फूला हुआ भाग को, किसको, तो पुष्प वृंत के फूले हुए भाग को क्या कहते हैं, तो पुष्प वृंत के फूले हुए भाग को क्या कहा जाता है, पुष्पासन, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप नोट क्या कर लेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे कि पुष्प वृंत के, किसके, पुष्प वृंत के फूले हुए भाग को, कौन से भाग को, तो पुष्प वृंत के फूले हुए भाग को, फूले हुए भाग को क्या कहते हैं, तो फूले हुए भाग को पुष्पासन कहते हैं। बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, क्या कह देंगे, पुष्पासन कहते हैं। किसको पुष्पासन कहते हैं, तो पुष्प वृंत के फूले हुए भाग को क्या कह देंगे, तो पुष्प वृंत के फूले हुए भाग को पुष्पासन कहते हैं, ठीक है। ये बात किसकी थी, तो ये बात थी आपके सहायक चक्र की, यानी जो सहायता करते हों। अब हम बात कर देंगे इसके आवश्यक चक्र की, ठीक है। तो अब हम लोगों का हेडिंग हो जाएगा आवश्यक चक्र, इसकी दूसरा वाला। पहला वाले में तो हम लोगों ने देखा था, जैसे पहले देखे थे कि आपका यहाँ देखे थे बाह्यदल था, बाह्यदल जो कि हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़े थे। उसके बाद क्या था, दलपुंज था। उसके बाद क्या है, पुष्पवृंत है। उसके बाद पुष्पासन है। लेकिन आज हम ये सब किस में था, तो ये सब सहायक चक्र में था। किस में था, सहायक चक्र में था। आज हम देखेंगे आवश्यक चक्र में। तो आवश्यक चक्र में मैंने बताया था इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई,
बताइए फटाफट आवश्यक चक्र की कौन कौन से पार्ट है। अगर आप लोगों को पता है तो तुरंत कमेंट करके बताइए आवश्यक चक्र में कौन कौन से इसके पार्ट है। तो आवश्यक चक्र में यहाँ पे बता देंगे, आवश्यक चक्र में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, पहला आपका हो जाएगा पुमंग हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा जायांग हो जाएगा। ठीक है, पुमंग और जायांग, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं एंड्रोसियम कह देंगे, क्या कह देंगे, एंड्रोसियम कह देंगे, और इसको क्या कह देंगे, गाइनोशियम कह देंगे। ठीक है, एंड्रोसियम और क्या हो जाएगा, गाइनोशियम हो जाएगा। अब हमें समझना है कि पुमंग और जायांग कहते किसे हैं। अगर मैं बात करूँ पुमंग की, तो पुमंग जो होता है इसमें हम नोट करेंगे तो यहाँ बताएंगे, पुमंग जो होता है ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। क्या होता है, तो यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। मैं नोट कर दूँ, यह पुष्प का क्या होता है, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। चलिए बताइए दूसरा चक्र का नाम बताइए फटाफट, दूसरा चक्र का नाम बताइए, दूसरा चक्र क्या है। मैं पढ़ाया था कि पुष्प का दूसरा चक्र और पहला चक्र, तो पुष्प का प्रथम चक्र क्या है ये भी कमेंट करके बताइए, और पुष्प का दूसरा चक्र क्या है ये भी कमेंट करके बताइए। जिन लोगों को पता है फटाफट कमेंट में बताएं कि पुष्प का प्रथम चक्र और पुष्प का दूसरा चक्र क्या है, तो फिर मैं तीसरे चक्र की बात करूँगा। तो देखिए पुष्प का तीसरा चक्र क्या हो जाएगा, तो पुष्प का तीसरा चक्र ये होता है आपका क्या चीज़, पुमंग। तो पुमंग जो होता है ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। ठीक है, क्या होता है, ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। और उसके बाद दूसरी पॉइंट, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई जो होती है वो पुंकेश्वर होती है। इसकी इकाई क्या है, पुंकेश्वर होती है। यहाँ पे नोट कर दूँ, इसकी इकाई क्या है भाई, इसकी इकाई पुंकेश्वर है। क्या है, इसकी इकाई पुंकेश्वर है। बात सभी को समझ में आ रही नहीं आ रही। अगर आपसे पूछे प्रश्न कि बताइए पुंकेश्वर किसकी इकाई है, बाह्य दल का, दलपुंज का, या फिर पुमंग का, या फिर जायांग का, तो किसका बताएंगे, पुंकेश्वर जो है यह आपके पुमंग का क्या है, इसकी इकाई है, पुमंग की इकाई है। तीसरी पॉइंट क्या बताएंगे, तो तीसरी पॉइंट बता देंगे इसे क्या कहते हैं, तो इसे नर जननांग भी कहते हैं, यही नर जननांग होता है, इसे नर जननांग कहते हैं, नर जननांग कहते हैं, क्या कहते हैं, नर जननांग कहते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि चलिए बताइए आप लोग बताइए, यह बताइए कि पुष्प का कौन सा भाग या पुष्प का कौन सा हिस्सा नर जननांग कहलाता है, तो क्या बताएंगे, पुष्प का नर जननांग किसे कहते हैं, तो पुष्प का नर जननांग पुमंग को कहते हैं। किसे कहते हैं, पुमंग को कहते हैं। और पुमंग की इकाई क्या होती है, तो पुमंग की इकाई आपका हो जाएगा पुंकेश्वर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो पुमंग होते हैं ना, पुमंग को क्या कर दिया गया है, पुमंग को भी दो भागों में बांट दिया गया है। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ये जो दिख रहा है इस प्रकार से, यही तो पुमंग है। और इस पुमंग को कितने भागों में बांट दें, इस पुमंग को हमने दो भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। जैसे एक ऐसे रहेगा और ऐसा रहेगा, तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। क्या कह देंगे, यानी इसमें जो घुंडी जैसी संरचना लगी हुई है इसको परागकोश कहते हैं, और ये जो दिख रहा है तन की तरह, इसको क्या कहेंगे, तंतु, या फिर इसको पुतंतु कहते हैं। क्या कह देंगे, पुतंतु कह देंगे। तो बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए कि जो पुष्प का पुमंग होता है उस पुमंग के कितने भाग होते हैं, तो पुमंग के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, तो पहला परागकोश हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, तंतु। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि पुमंग को कितने भागों में क्या कर दिया गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो बताइए पुमंग को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो पहला परागकोश और दूसरा क्या हो जाएगा, तंतु, या फिर पुतंतु हो जाएगा। तो आवश्यक चक्र के एक हेडिंग समझ में आ गया सभी लोगों को, पुमंग किसे कहते हैं, तो वेरी वेरी इजी है, इसको बताएंगे कैसे, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, इसकी इकाई पुंकेश्वर होती है, इसे नर जननांग भी कहते हैं, और पुमंग के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, पराकोश और तंतु होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम बात किसकी कर लेंगे, जायांग के बारे में बात करेंगे। तो पहले पुमंग की बातों को आप नोट कर लीजिए फटाफट, या फिर स्क्रीन शॉट लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके जायांग के बारे में मैं बता सकूं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए इसको इरेज करने के बाद हम बात किसकी करेंगे, जायांग की बात करेंगे। तो जायांग जो हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो जायांग जो होता है ये पुष्प का कौन सा भाग होता है, तो जो जायांग होता है ये पुष्प का चौथा चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है, यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। और इसकी जो इकाई है, इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई स्त्री केसर है। क्या है, इसकी इकाई स्त्री केसर है। और तीसरी पॉइंट इसमें क्या बताएंगे, तीसरी पॉइंट बताएंगे कि इसकी जो, इसे क्या कहते हैं, इसे मादा जननांग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मादा जननांग कहते हैं। चलिए देख लीजिए,
पहले मैं नोट कर दूं जायांग में, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यह पुष्प का चौथा चक्र होता है, चौथा चक्र होता है। और दूसरा बात करेंगे, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई पुंकेसर होती है, इसकी इकाई पुंकेसर होती है, इसकी इकाई पुंकेसर होती है। और तीसरी पॉइंट क्या बताएंगे, तीसरी पॉइंट इसमें बताएंगे कि इसे क्या कहते हैं, इसे मादा जननांग भी कहते हैं, मादा जननांग कहते हैं, मादा जननांग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे मादा जननांग कहते हैं। और इसे जो है, इसे कितने भागों में बांटा गया, इसे तीन भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, इसे तीन भागों में क्या कर दिया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। तो इसे तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन से तीन भाग है, तो देखिए यहाँ वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, और ये वाले भाग को वर्तिका कहते हैं, और निचला वाला जो फूला हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं, इसको अंडाशय कहते हैं। ठीक है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी ऐसे, तो ये वाला जो होता है वर्तिकाग्र होता है, और जो बीच वाला होता है इसको क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पुष्प के संरचना के बारे में क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, लेकिन अभी इसकी पूरी डिटेल्स हमें पढ़ना है, जैसे पुमंग के पूरा डिटेल्स पढ़ना है, पुमंग में पराकोष क्या होते हैं, पराकोष के विकास क्या होते हैं। तो आप सब इसको सिस्टमेटिक तरीके से क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और इसको बराबर आप क्या करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि संडे को आपका क्या होने वाला है, तो संडे को जितना मैं पढ़ाए रहूँगा सबका आपका लाइव टेस्ट होने वाला है। तो सभी लोग तैयार रहिए, और जिन लोगों को जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, और इसके बाद ये जैसे ही हमारा टॉपिक क्या हो जा रहा है, कम्प्लीट हो जा रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके आगे की संरचना पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि पुष्प क्या है और पुष्प की संरचना। पुष्प के संरचना में मैंने बताया कि पुष्प के संरचना में दो भाग होते हैं, पहला होता है सहायक चक्र, दूसरा होता है आवश्यक चक्र। सहायक में जैसे पुमंग क्या, सॉरी, सहायक में क्या है, बाह्यदल, दलपुंज, और आपका पुष्पासन, पुष्पवृंत, ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया है। अगर सारा पुष्प के संरचना में अगर आपको सारी बात अगर समझ में आ गई है, सभी लोगों को पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है, अगर अच्छे से याद हो गया है, तो चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। अगर आप हमारे सारे सवालों का जवाब दे देते हैं, जिसका मतलब मैं समझूंगा कि हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए टॉपिक है वो आप लोग को कन्फर्मली आ चुका है। तो चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ ले रहा हूँ, आप लोग फटाफट इन प्रश्नों का जो आंसर फटाफट बिना देखे आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएंगे कि वो प्रश्न के उत्तर क्या है। ठीक है, इससे मुझे स्पष्ट हो जाएगा कि शायद आप लोग की जो तैयारी है ठीक ठाक हो रही है, और मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो टॉपिक है वो सब आपको समझ में आ गया है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न हमारा आया है कि बताइए कि बाह्य दल की इकाई किसे कहते हैं। तो बाह्य दल का इकाई क्या है ये बता दीजिए, बाह्य दल की इकाई, तो बाह्य दल की इकाई क्या है, फटाफट लिख करके सभी लोग बताएं कि बाह्य दल की इकाई किसे कहते हैं। और उसके बाद दूसरा आपका क्या है, पुमंग की इकाई बताइए। ठीक है, पुमंग की भी इकाई बताइए, पुमंग की इकाई क्या है। उसके बाद तीसरा जायांग की इकाई बताइए, जायांग की इकाई बताइए, जायांग की इकाई। और चौथा भी लिख लीजिए आप लोग, चौथा क्या लिखेंगे, दलपुंज की इकाई, तो दलपुंज की इकाई क्या है। यानी यहाँ पे आपके चार प्रश्न पूछे गए हैं, और चारों के चारों पुष्प के संरचना से ही रिलेटेड है, और चारों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताया कि बाह्य दल की इकाई क्या है, उमंग की इकाई क्या है, जायांग की क्या इकाई है, और दलपुंज की इकाई क्या है। अगर आप पूरे लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आपको याद हो गया होगा, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले दिन की क्लास में, तो आपको पढ़ाएंगे कि पराग कोष क्या है और पराग कोष की संरचना के बारे में।